शहन। देखिए आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन एक क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। 1987 में पूछा गया है प्रश्न, है पेपर टू सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, आइए हम समझते हैं। देखो ये है क्वेश्चन को हम पहले पढ़ के समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है कि रिव्यू द मेजर आर्गुमेंट्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन द फेवर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। देखो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना, वो मुख्यतः आज के इस कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड में और इस ग्लोबलाइज्ड इरा में इकोनॉमिक एंगल से अधिक देखा जाता है। इकोनॉमिक एंगल से कोई भी देश देख लो, चाहे कह सकते हो ना कि कितने ही मतलब वो दूर का देश हो, जैसे भारत या अमेरिका हो, भारत या इंग्लैंड हो, या कोई भी देश, दो देशों के द्विपक्षीय या कई एक देशों को मिला के त्रिपक्षीय या बहुपक्षीय संबंध जो है ना, वो अगर किसी धुरी पे खड़ा रहती है तो वो है आर्थिक जगत। अब इस ग्लोबलाइज्ड इरा में देखो ये प्रश्न है पूछा जा रहा है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कौन, जो पुअर डेवलपिंग कंट्री हैं, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है, ये लोग जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में परिवर्तन और उसके रिफॉर्म की बातें कर रहा है। अब जैसे भारत वगैरह है या फिर जितने भी डेवलपिंग या कह सकते लिस्ट डेवलप्ड नेशन है, ये सब हमेशा जो है यह दोष लगाता है, ये वास्तविक भी है, कुछ हद तक सही भी है, कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे वेस्टर्न और डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के फेवर में है। मतलब जो भी उसकी नीति है, जो भी उसकी पॉलिसी है, जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल जैसे इंस्टीट्यूशन हो गए, यूएन हो गया, या फिर कह सकते हो कि आईएमएफ हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, और जो है वो क्योंकि वो वेस्टर्न नेशन के द्वारा उसे बनाया गया था और उसमें उसका हित था, इसलिए वैसे ऑर्गेनाइजेशन को जो है इस्टेब्लिश किया गया ताकि वो उनके एजेंडे को उस मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो है आगे बढ़ा सके और वो प्रॉफिट कमा सके। एक डिपेंडेंसी थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे जितने भी डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन हैं वो किस प्रकार जो सेटेलाइट स्टेट हैं उसके इकोनॉमिक और नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लाइटेशन करती है। ठीक है, तो इसमें यही कहा जा रहा है आपको रिव्यू करना है मेजर आर्गुमेंट जो कि थर्ड या फिर डेवलपिंग या लिस्ट डेवलप्ड नेशन अपने आर्गुमेंट अपनी बातों को जब रखते हैं कि कैसे जो नए आर्थिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, क्यों परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन किस प्रकार के होने चाहिए और कैसे यह परिवर्तन अभी जो वर्तमान में अभी स्थितियाँ हैं वो जो सिर्फ वेस्टर्न नेशन को जो है हेल्प के लिए हेल्पफुल है, वह जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए भी हेल्पफुल और मददगार सिद्ध साबित होगा। ठीक है, तो हर देश का अपना अपना एक राष्ट्रीय और नेशनल इंटरेस्ट होता है, अपना हित होता है, सभी राष्ट्र चाहता है कि हम उन्नति करें, प्रगति करें। ठीक है, तो इसलिए बार बार जैसे भारत है तो यूएन में कई बार कह चुका है कि भाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अब बदलाव की आवश्यकता है, भारत को भी वीटो पावर चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, ठीक है, जैसे जैसे नए नए राष्ट्र वैश्विक पटल पर उभर रहे हैं, वो अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए जो है कहते हैं कि भाई सबको बैलेंस करो, हमारा भी उतनी मान्यता होना चाहिए क्योंकि हम भी डेवलप्ड करना चाहते हैं या होना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो इको सिस्टम है, उसमें परिवर्तन हो, उसमें बदलाव हो, उसकी रीस्ट्रक्चरिंग हो। ठीक है, आशा करता हूँ यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग एक बार मैं जाते जाते इस क्वेश्चन में फिर पढ़ देता हूँ। देखिए, रिव्यू द मेजर आर्गुमेंट्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन अ फेवर ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं।